अभी आपको बताता हूँ जो हमारी YouTube जर्नी रही वो कैसी कैसी रही और कितने मजे किए हमने आज तक। तो इंतजार कर रहा था यार कि इस महीने की YouTube पेमेंट नहीं आई, जस्ट अभी मैसेज आया और YouTube पेमेंट भी आ गई है। जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था तो उस टाइम मैं मतलब बहुत नर्वस था और मैंने सच बताऊँ तो 15-16 क्लिप बनाई थी। तो पहले आप लोग यार वो फर्स्ट ब्लॉग देखिए, मतलब कैसे मैंने कैमरा फेस कैसे किया। मैंने एक कमेंट आया था मुझे कि आपकी YouTube पेमेंट कितनी आती है मंथली। एक साल पहले की बात है और गट्टू कैसा लग रहा था 2022 में, यानी एक साल पहले रिकैप करते हैं तो गट्टू आप देख सकते हो कितना मासूम लग रहा था और जब मम्मी पापा घर आए थे तो कैसे बोल रहा था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह। आज आपको सनराइज देखने को नहीं मिलेगा, अब आपको पहाड़ों में कुछ इस प्रकार का ही मौसम देखने को मिलेगा, बारिश वाला कोहरा लगा रहेगा। मैं तो अभी उठ रहा हूँ और उठ के ही मैंने सोचा बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ सुबह का। सुबह के 7 बज रहे हैं और मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है। सनराइज देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको सुबह नेचुरल ठंडी हवा मस्त करके। तो चलिए वही मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों रेडी हो गए हैं और अभी रेडी होकर मुझे जाना है दूसरे साइड, यानी अपने पल्ली वाखली बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर ताई की तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं और गट्टू जा रहे हैं उस साइड को, तो अभी गट्टू का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से स्वागत करता हूँ आपका एक और शानदार ब्लॉग यानी मिस्टर भंडारी चैनल में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था आज हमारा जो ब्लॉग है वो होने वाला है यूट्यूब जर्नी पे, तो आपको भी बताएंगे। अभी फ़िलहाल सुबह जाना पड़ रहा है उस साइड क्योंकि ताई की तबीयत ख़राब हो रही है, तो गट्टू को भी लेके जाऊंगा। गट्टू की जेठी लगती है, हमारी ताई जी लगती है, थोड़ा मुँह हाथ धोके। और ये मेरा घर है, ऊपर गट्टू का घर है और हमें जाना है सीधे गाँव के रास्ते होते हुए सीधे उस साइड को जहाँ हम कल गए थे चक्के के साइड, और अभी उस साइड जाना है। और ठीक सामने देखो भाई आप मौसम कितना प्यारा हो रखा है। तो आज आपको बताने वाले हैं YouTube जर्नी के बारे में और अभी वहाँ जाएंगे तो उसके बाद आगे बताएंगे, क्योंकि यार सब कुछ देखना पड़ता है, रिश्तेदारी और अपना परिवार ना देखे तो भाई बात ही फिर अलग हो जाएगी। अभी आ गया है तो अभी हम चल रहे हैं उस साइड और आपको मिलेंगे ठीक बाद में जब हम YouTube जर्नी बताएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत काम है तो उधर चलते हैं। लेट्स गो, गाँव के रास्ते होते हुए चलेंगे को आज। बारिश के बाद जो गांव का खूबसूरत नज़ारा है ना, हरियाली वाला, वो देखिए भाई आप कितना प्यारा लग रहा है ना, मस्त। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे वो भी अपने पहाड़ों में ही। ऐसा होता है, सुकून भर की लाइफ है यार मस्ती करके। ये देखिए भाई, तो इस साइड वाला भी हमारे गाँव का हिस्सा है और इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, वाह यार मस्त। तो भाई गट्टू हमारी पेमेंट भी आ गई है यूट्यूब की। इंतजार कर रहा था यार कि इस महीने की YouTube पेमेंट नहीं आई, जस्ट अभी मैसेज आया और YouTube पेमेंट भी आ गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इंतज़ार कर रहे थे तो धन्यवाद YouTube का और धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों के क्या सपोर्ट से इस महीने की YouTube भी आ गई है। YouTube बोला मैं, इस महीने की पेमेंट भी आ गई है और पेमेंट कितनी आती है हमारी, एक कमेंट आया था मुझे कि आपकी YouTube पेमेंट कितनी आती है मंथली। तो यार ऐसा है ना, बताना तो मैं भी चाहता हूँ आपको लेकिन स्पेशल डे पे बताऊंगा ना, YouTube जर्नी में सब कुछ बताएंगे यार। अभी आगे एक सामने बैठ के मस्त करते, अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों अभी ना बारिश का मौसम बना हुआ है और अभी हम घर पे आ गए हैं, तो अभी गट्टू घर पे आ गए हैं तो लंच भी हो गया हमारा। अभी आपको बताता हूँ जो हमारी YouTube जर्नी रही वो कैसी कैसी रही और कितने मज़े किए हमने आज तक। झगड़े हो सबसे पहले आज से तुम्हारा प्यार नमस्कार, बड़ो तमार प्रणाम और झगड़े हो क्या हाल चाल। चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए आज हम लेके आ गए हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 30K पे हम स्पेशल लेके आएंगे YouTube जर्नी। तो आप लोगों का प्यारा सपोर्ट इतना मिला कि आपने मतलब जल्दी जल्दी 33K कर दिए हैं। मैं 30K पे सोच रहा था, उस टाइम गट्टू घर पे नहीं था तो उस टाइम बना नहीं पाया। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ YouTube जर्नी स्पेशल ब्लॉग और कैसे कैसे हमारी जर्नी रही 0 से लेके यहाँ तक। आप लोगों के प्यारा सपोर्ट से आज वो पूरा हो गया है, यानी आप लोगों के प्यारा सपोर्ट से आज ये सब रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और
हमारी यूट्यूब जर्नी में कितने रुकावटें आई और क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस की और कितने दिक्कतें आई जो हमने मतलब चैनल बनाया था, वीडियो बनाना हमने कब शुरू किया और फर्स्ट ब्लॉग मैंने कब बनाया और सबसे बड़ा रोल गट्टू का या किसका है वो सब आपको बताएंगे। और लाइव में मतलब मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट जो कि ब्लॉगिंग में है वो कौन से होने वाला है वो सब आपको आगे बताएंगे। जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था तो उस टाइम मैं मतलब बहुत नर्वस था और मैंने सच बताऊँ तो 15-16 क्लिप बनाई थी। तो पहले आप लोग यार वो फर्स्ट ब्लॉग देखिए, मतलब कैसे मैंने कैमरा फेस कैसे किया मैंने और कैसे बोला था, एडिटिंग कैसे की, पहले आप लोग क्लिप देखिए तब उसके बाद आगे बात करते हैं। आप सबको मेरा प्यार नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं सोच रहा था अपना ब्लॉग बनाने का बट हो नहीं पा रहा था, वही प्रॉब्लम जो सबको होती है, कैमरा फेस प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत सारा प्रैक्टिस किया बट हो नहीं पाया, कैमरा के सामने फर्स्ट टाइम होता ही है जो सबको होता है कैमरा प्रॉब्लम फेस प्रॉब्लम करने में। तो आखिरकार वो दिन आ गया जब मैंने अपना स्टार्ट कर लिया। तो मेरा नाम है चंदन भंडारी और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और फिलहाल मैं अभी अपना बीएड सेकंड ईयर चल रहा है मेरा और मेरी आगे की पढ़ाई चल ही रही है। तो मैं आगे की तैयारी कर ही रहा हूँ। मैं सोचा साथ साथ में क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए, तो मैं ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर लिया है और मैं बताता हूँ अपने गाँव के बारे में। मेरा गाँव का नाम है मासू। तो जब हम फर्स्ट ब्लॉग बना रहे थे, जब मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रहा था ना, मेरे को बहुत हंसा रही थी उस टाइम पर। इनमें मुझे इतना हंसाया तब जाके मतलब एक क्लिप बनी जब मैंने इन दोनों को डांटा था, मीनू और गट्टू को। और उसके बाद जब मतलब उसके बाद हमने ना जब फर्स्ट ब्लॉग के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिक में वीडियो बनाई थी, उस टाइम मतलब पब्लिक के सामने कैमरा कैसे फेस किया और कैसे बनाया, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। उस टाइम मैं गया था अपने गाँव से आगे, गाँव खातुली गाँव होता है, वहाँ पर माँ नंदी देवी की पूजा थी जिसे हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में पाती बोलते हैं। तो हम उसमें गए थे, तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने वीडियो बनाई थी, बहुत कुछ सीखने को मिला कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे मतलब पब्लिक के सामने बोलना है, तो काफ़ी मज़ेदार रहा। और उसके बाद तो भाई साहब मतलब गट्टू के साथ थोड़ा बहुत कॉमेडी हुई, फ्रैंक हुआ, गट्टू खेल हुआ था। तो आप लोग वो वीडियो देखिए पहले जिसमें गट्टू के साथ प्रैंक किया था कि गट्टू तू फेल हो गया है और ये सच में रोने लग गया उस टाइम पे। सच में तो नहीं बार हुए यार, ये एक साल पहले की बात है, तो आप लोगों को मैं एक साल पहले की बात बता रहा हूँ और आप पहले वीडियो देखिए। तो भाई आप देखो कैसे रो रहा है यार। अरे कुछ नहीं होता भाई, फेल होते रहते हैं यार। अरे कुछ नहीं होता भाई गट्टू। अरे क्या हुआ फिर, फेल हो गया तो दोस्तों ऐसा तो होता रहता है, मतलब फेल पास तो होते रहते हैं यार। क्या हुआ, अगली बार दे देगा भाई, रो मत यार। अब उठ यार, क्या हुआ यार गट्टू। मैं फोन बोर्ड होना तुम लोग आ मैं लात दूंगा जा। अरे वो जा रहा ए कोई बात यार, तेरे यार देख तेरा रिजल्ट, ये देख पास हुई तो फर्स्ट डिवीजन, देख पास देख ना, इधर देख, इधर देख, इधर देख पहले पास। PA SS तो गट्टू साहब ने प्रैंक किया था। उसके बाद सोभा और भाभी ने मेरे साथ प्रैंक किया था और क्या किया था, मुंह पे मतलब मुंह पे गोबर लगा दिया था कोलगेट के साथ और बेसन के साथ, यानी जो हम बोलते हैं ना गढ़वाले इसमें हल्दी पैक बेसन पैक बोलते हैं, मतलब चेहरे पे लगाने के लिए। तो इन लोगों ने मेरे पे क्या किया था, गोबर के साथ विम बार लगा दिया सोभा ने और भाभी ने प्रैंक किया था। और गट्टू मतलब गट्टू की कॉमेडी भी रही बीच में, तो आप लोग वो क्लिप भी देख सकते हो, आपको वो क्लिप भी मैंने कैप्चर कर रखे है, तो आप लोग उसको भी एंजॉय कीजिए। और काफ़ी मज़ेदार था यार वो, मतलब एक साल पहले की है बात। तो दोस्तों इतना तो काफ़ी होगा, चलो अब इसमें बहुत मजा आए, हम इसमें मिलाएंगे कोलगेट। अभी तो बहुत भयंकर चरण पड़ी यार। अरे कुछ नहीं है, वो सोभा पे तो नहीं पड़ी है। क्या क्या डाल रखा है, सच बताओ यार, नहीं हो यार, कौन मिलाते हैं ऐसे गोबर यार, ऐसे तो नहीं होते यार। देख ली होगी वीडियो, और एक साल पहले की बात है। और गट्टू कैसा लग रहा था 2022 में, यानी एक साल पहले रिकैप करते हैं, तो गट्टू आप देख सकते हो कितना मासूम लग रहा था। और जब मम्मी पापा घर आए थे तो कैसे बोल रहा था, गट्टू वीडियो बना रहा था उस टाइम पे। यहाँ पर काफी खुश लग रहा है, गट्टू भी खुश हो रखा है आज, तो काफ़ी खुश लग रहा है गट्टू भी।
और आगे हैं, गाड़ी देख सकते हो, मम्मी पापा आ गए हैं इसमें, और ये देखो आप आगे हैं यहाँ पर, अब मिलते ये देखो पापा, फिर पापा से मिलते हैं, पापा है भक्ति पहुँच गए, पापा आ गए और मम्मी भी, मम्मी से मिलते हैं, ये देखो नमस्ते, मम्मी से आ गए, मम्मी भी मिल गए देखो, हाँ तो काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं आज। तो दोस्तों पहले सामान ले आते हैं, नमस्कार, गुड टू बी आवर फ्रेंड्स, हो रहा और ये देखो ये है भरत मिलाओ, देवरानी जेठवानी दे, और ये क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए इन्होंने थोड़ा पैर भी छू लिए, नहीं तो हाथ से होता है। कि अभी चाची लोग क्या बोल रहे थे कि हाँ वो आ गए हैं और सो मीनू पैर छू रहे हैं, और आज पहली बार से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गुट्टू काफी एक्साइटेड था, मैं भी काफी एक्साइटेड था, और सोवा ये भी काफी एक्साइटेड था, तो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट देखा नहीं ये देखो शेरों का, शेरों को खुशी तो वो पापरी हो। वही था जब मम्मी पापा घर आए थे और शेरू का रिएक्शन आपने देखा होगा, तो काफ़ी मज़ेदार था वो, और वो पल यार आप कैसे बताए आपको, मतलब काफ़ी एक्साइटेड थे उस टाइम पे और काफ़ी यादगार रहते हैं पल। और उसके बाद ना मतलब एक टाइम ऐसा आया था जब मैं सोच रहा था कि यार यूट्यूब छोड़ देता हूँ, क्योंकि चैनल बहुत डाउन हो गया था, ग्रो नहीं हो रहा था, और मैंने सोचा यार अब कुछ नहीं हो रहा है तो इसलिए यूट्यूब छोड़ देता हूँ। फिर मैंने कंटिन्यू किया, मैं देखा यार कि जब हम किसी चीज़ को लगन से करते हैं ना तो उस पर हमें मतलब मेहनत करनी चाहिए, चाहे उसमें हार जीत हो या कुछ भी हो। तो मैंने उसके बाद कंटिन्यू किया और उसके बाद रिजल्ट आप देख सकते हो अभी आप लोगों के सामने है। ऐसे नहीं बोल सकता कि 100% है, लेकिन मैं 50% और अभी मैं कंटिन्यू रखूँगा तो आगे भी रिजल्ट मिलता रहेगा आप लोगों के प्यारा सपोर्ट से। अब बस आशीर्वाद बनाए रखना, और आप लोग अगर हम दोनों से, मैं सोच रहा था यार क्यों ना क्यों ना किया जाए। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आई नो कि आप लोग बहुत सारे कुछ पूछना चाहते हो गुट्टू से भी, मुझसे भी, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, मतलब कमेंट आते हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना ये क्यों ना बनाया जाए हम दोनों का। और आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट में, आपके लिए क्यों ना लेके आएंगे दोनों से रिलेटिव, तो ज़रूर अपना कमेंट करना, जितने भी आपके सवाल हैं भर भर के आप पूछिए। तो ऐसा था भाई हमारा यूट्यूब जर्नी, और जब 2K हुए उस टाइम पे तो काफ़ी एक्साइटेड थे, 2K हुए थे हमने, मतलब केक काटा था और जो मतलब सेलिब्रेट किया था ना अपने स्टाइल में, वो काफ़ी मज़ेदार रहा। तो आप पहले वो क्लिप देखिए उसके बाद कमेंट करना। धन्यवाद। फर्स्ट पेमेंट आई थी उस टाइम में बहुत एक्साइटेड हो गया था, तब मैंने सोचा है क्यों ना ऐसे ही कंटिन्यू की जाए जब फर्स्ट पेमेंट आ गई थी, फिर मैंने फर्स्ट पेमेंट ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। सो क्यों ना हमारी कैमरामैन सोबा है ना, तो वो इतनी हंस रही है ना, वो इतनी हंस रही है उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा जब हम यहाँ पर से वीडियो बना रहे हैं। तो जब हमारी फर्स्ट पेमेंट आई थी ना तो सोबा को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि मैं उसको मतलब ऐसी पेमेंट दे रहा था। यानी हमारी यूट्यूब पेमेंट आ गई है, यानी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आ गई, और कितनी आई है आप लोगों को जानना है तो आप वीडियो पूरा देखना, मज़ा आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। तो देख सकते हो आप मेरे हाथ पे नोट और खुशी। आंखें बंद करो अपनी, आंखें बंद करो, हाथ आगे, आंखें बंद, आँख नहीं खोला, चीटिंग नहीं चलेगी, पक्का, आँख नहीं खोला, आँख नहीं खोल,
अरे सो का यकीन नहीं हो रहा, देखो सो का यकीन नहीं हो रहा है। अरे ते खर्ची हो सच में यार। हाँ यार तो नए दोस्तों आ गए आपके YouTube से इनकम कितनी आती है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना स्पेशल आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनकम कितनी आती है और मंथली आती है या कैसे आती है। क्यों हंस रहा भाई? सुबह हजारी है नहीं है, सुबह हजारी है पीछे से। तो ये आप लोगों को बताऊंगा, मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तो यार ये थी हमारी जर्नी और आपको कैसी लगी? हाँ आप लोग ये जानना चाहते थे कि थंबनेल कैसे बनाता हूँ, मुझे एक कमेंट आया था बहुत पहले कि आप थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो थंबनेल वाला मैं इस बार मैं ज़रूर बनाऊंगा, इस बार मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्यू एन ए ब्लॉग में बनाऊंगा, क्योंकि यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो उसको मैं स्पेशल लेके आऊँगा आपके लिए क्यू एन ए ब्लॉग में। इस बार पक्का लेके आऊँगा कि थंबनेल कैसे बनाता हूँ मैं पर्सनली, अपना थंबनेल कैसे बनाता हूँ, पिक्सआर्ट से बनाता हूँ और आपको भी बताऊँगा कैसे बनाता हूँ। बहुत ईजी है और आप लोगों को भी ब्लॉगिंग करनी है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, अपने पहाड़ का जो कल्चर है वो दिखा सकते हो। जो गांव में हो तो आप लोगों को बनानी चाहिए, अपना कल्चर है जो वो दिखाना चाहिए और अपने कल्चर को आगे लेके जाना चाहिए। वीडियो के माध्यम से हमारा कल्चर ना एक दूसरे तक पहुँचते हैं और आजकल की जो नए जनरेशन है ना उनको अगर हम पुरानी चीज़ें दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से तो बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। अब मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप गढ़वाली में वीडियो नहीं बनाते हो, अब मैं गढ़वाली में बनाऊंगा ना तो मेरे साथ बहुत सारे ऑडियंस बाहर के जुड़े हैं, जो मतलब जब मैं गढ़वाली बोलता हूँ तो उस टाइम पे स्किप कर देते थे तो अच्छा नहीं लगता कोई वीडियो को स्किप करे, इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि गढ़वाली नहीं बोलता हूँ, कहीं कहीं पर मैं गढ़वाली में बात करता हूँ, जैसे कभी दादी लोगों से मिल गया तो गढ़वाली में बढ़ गया, हाँ जहाँ पे खिचड़ी बढ़ गया तो दादी लोगों से या गाँव में जाके कभी कभी गढ़वाली में बात करता हूँ। और हाँ मैं बताना चाहता था आपको कि अब मैं आगे से ना जो मैंने मतलब बीच में विलेज टूर स्टार्ट किया था फिर से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे चौथान क्षेत्र में 72 गांव आते हैं और उनमें से मैंने अभी 4-5 गांव कवर किए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना 72 गांवों को कवर किया जाए। तो कमेंट जरूर कीजिए किस किस के गांव में जाना है, तो परमिशन तो पहले आप लोग से लेनी पड़ेगी जो भी हमारे चौथान के होंगे, तो ज़रूर अपनी परमिशन दीजिए कि हाँ आप लोगों के गाँव में टूर करना है तो ज़रूर हम जाएंगे। इस बार तो हमारे साथ गट्टू भी आएगा और इस बार हमारी नई फ्रेंड एक बाइक आ गई है, तो अब तो अच्छा हो गया है गाँव में टूर करने के लिए। तो चलिए भाई आज की वीडियो को दूर करने के लिए चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, और क्यों ना से कोई क्वेश्चन रिलेटिव क्वेश्चन हम दोनों से हो तो अपना कमेंट ड्रॉप जरूर करना। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।